हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर के दो दिग्गज स्टॉक्स के बारे में, और ये दोनों ही दिग्गज अपने आप में एक इतना ज़बरदस्त पोटेंशियल रखते हैं, इतना ज़बरदस्त स्कोप रखते हैं कि केवल इन दो स्टॉक्स में ही निवेश आपको अमीर और बहुत अमीर बना सकता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही होने वाला है, और ये दोनों ही दिग्गज जो कि ऑटो एंसिलरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ये स्पेशली वर्क ही करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। आज भी इन दोनों काउंटर्स के बारे में मैं आज आपको जो भी बताऊंगा, उस सभी चीज़ों को आप नोटिस कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और दोनों ही स्टॉक अनडिस्प्यूटेड फंडामेंटली साउंड और बेस्ट पिक्स हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आप सभी जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में आगे कितनी ग्रोथ की संभावनाएं हैं, और इसी वजह से आज हम इन दो काउंटर्स को बता रहे हैं जो कि भविष्य में धूम मचाएंगे, और इतनी धूम मचाएंगे कि आपका मुनाफा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी कहीं ज़्यादा और बहुत ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, ये जो दो काउंटर्स हैं, इनमें जो पहला काउंटर रहेगा वो रहेगा एक्साइड इंडस्ट्रीज़ का, एक्साइड इंडस्ट्रीज़। और अगर हम लोग बात करते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज़ की, तो चलिए आइए आपको एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी बता देता हूँ मैं। दो काउंटर्स हैं, एक्साइड इंडस्ट्रीज़ एंड मदरसन सुमी। अगर हम लोग पीयर टू पीयर कंपेरिजन भी करते हैं, तो मदरसन सुमी आफ्टर बॉश मार्केट कैपिटल है अपने सेगमेंट में, अपने पीयर्स के कंपेरिजन में मदरसन सुमी इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी एज कम्पेयर टू दी अदर्स। ठीक है, इन द मार्केट कैपिटल के अकॉर्डिंग सबसे ऊपर बॉश है। मदरसन सुमी की मार्केट कैपिटल 52,657 करोड़ की, यानी कि लार्ज कैप की कंपनी है। 166.8 का प्राइस चल रहा है। एंड उसके बाद नंबर सेकंड पे कंपनी आती है एक्साइड इंडस्ट्रीज। ये एक्साइड इंडस्ट्रीज बैटरी मेकर कंपनी है, बैटरीज बनाती है ये। और मदरसन सुमी भी ऑटो एंसिलरी सेक्टर में इलेक्ट्रिक सेगमेंट में लिस्टेड ये कंपनी है। सेल्स टर्नओवर की बात करते हैं तो एक्साइड इंडस्ट्रीज़ का सेल्स टर्नओवर मदरसन सुमी से ज़्यादा है, 9,186 करोड़ का है, बट प्रॉफिट्स मदरसन सुमी के ज़्यादा है। मदरसन सुमी को लगभग 880 करोड़ का प्रॉफिट रहा है 2018 में। सेल्स टर्नओवर 7,456 करोड़ का रहा है। मार्केट कैप 52,674 करोड़ की रही है। एक्साइड इंडस्ट्री का जो करंट मार्केट प्राइस है 259 का है। मार्केट कैपिटल 22,091 करोड़ के आसपास है। सेल्स टर्नओवर 9,186 करोड़ का है, और जो नेट प्रॉफिट है एक्साइड इंडस्ट्रीज़ का वो है 668 करोड़ का। टोटल एसेट्स 7,284 करोड़ के एसेट्स हैं मतलब धूमी के, और 5,389 करोड़ के एसेट्स हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के। तो यहाँ पर ये दोनों ही काउंटर्स बेहतरीन हैं, फंडामेंटल्स अनडिस्प्यूटेड लीडर्स हैं ये दोनों काउंटर। और यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्साइड इंडस्ट्री भी कंसोलिडेशन में आ सकता है, उस टाइम कंसोलिडेट रहेगा। मुझे लगता है कि अभी कुछ और महीने लगेंगे इसको अपना नया मेजर बुल रन देने के लिए। फिलहाल एक्साइड इंडस्ट्रीज में लगभग 280 से 290 का जो लेवल है वो एक बड़ा मजबूत रेजिस्टेंस की तरह है, और एक ब्रेकआउट की तरह भी काम करेगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के अंदर और मदरसन सुमी सिस्टम्स के अंदर भी। यहाँ पर मदरसन सुमी सिस्टम्स एंड एक्साइड इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर एक्साइड इंडस्ट्रीज में लगभग 46% के आसपास की प्रमोटर्स की होल्डिंग है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड ने भी लगभग 15.5% इन्वेस्टेड किया हुआ है। इंश्योरेंस कंपनीज का 4.72% इन्वेस्टेड है, एंड QFIs का लगभग 11.22% इन्वेस्टेड है। यानी कि ज़्यादातर बिग इन्वेस्टर्स, पब्लिक जो बिग इंस्टीट्यूशन हैं उनके पास शेयर होल्डिंग्स हैं। ओनली 10.14% जो इंडिविजुअल्स के पास है, एंड रेस्ट एनी अदर्स के पास है 9.27%। इसके अलावा अगर फाइनेंशियल्स में जाएंगे हम लोग, साथ ही हम मदरसन सुमी को भी देख लेते हैं। मदरसन सुमी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगभग 61.273% है, जिसमें कि 4.23% जो है वो टोटल जो है वो प्लेज है शेयर्स। 9.19% जो म्यूचुअल फंड्स में निवेशित है। 17.13 QFI में निवेश किया हुआ है, और जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास केवल एंड केवल 7.53% का स्टेक ही है।
रेस्ट एनी अदर के पास लगभग 3.3% का स्टेक बदहसन तुमी में है। तो इसके लिए हम लोग फाइनेंशियल्स के ऊपर चेक करेंगे, एक्साइड इंडस्ट्रीज डेट चेक करेंगे हम लोग, मदहसन तुमी सिस्टम्स इसके भी हम लोग एक बार डेट चेक करेंगे। ओके यहाँ पर एक्साइड इंडस्ट्री जीरो डेट कंपनी है, आप देख सकते हैं। आप पिछले साल इसमें जरूर 170 करोड़ का डेट था, बट अब जीरो डेट कंपनी है। नेटवर्थ कंपनी की 5389 करोड़ की है, जबकि रिजर्व 5300 करोड़ के हैं। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट है वो 9669 करोड़ का है। कंटिजेंट लाइबिलिटी 651 करोड़ की है। प्रोविजन 279 करोड़ का, लगभग 280 करोड़ के प्रोविजन से प्रोविजन काफ़ी हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज में, और ये एक का प्रॉब्लम है। कैश एंड बैंक बैलेंस 87 करोड़ के आसपास है। मदहसन तुमी में अगर हम आते हैं तो मदहसन तुमी में लगभग 1100 करोड़ का डेट है, 6180 करोड़ की नेटवर्थ है, 5969 करोड़ के आसपास की रिजर्व है, लगभग 1464 करोड़ ब्लॉक है एंड 4653 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, जो कि एक बड़ा निवेश है। प्रोविजन्स ना के बराबर है, ओनली 2.5 करोड़ के आसपास के प्रोविजन्स है, और साथ ही कंटिजेंट लाइबिलिटी भी इसका भी कम है 25 करोड़ की। बुक वैल्यू 29.36 है मदहसन तुमी की। सो ओवरऑल कंपनी इज़ गुड, फंडामेंटल्स भी बढ़िया है। एक्साइड इंडस्ट्री तो ऑलमोस्ट डेट फ्री है। तो हम लोग पिछले लास्ट 6 मंथ के नंबर्स एक बार चेक कर लेते हैं कि सितंबर हाफ ईयरली में क्या थे नंबर्स कंपनी दोनों कंपनी ने पोस्ट किए हैं। एंड यहाँ पर हम देखेंगे सितंबर 18 में एक्साइड इंडस्ट्रीज़ को लगभग 5500 करोड़ के आसपास की टोटल सेल्स रही है, जो कि पिछले साल के मुकाबले लगभग 1000 करोड़ ज़्यादा रही है। एंड साथ ही साथ अगर सितंबर 17 में बात करेंगे तो केवल 4474 करोड़ था, जो कि 1000 करोड़ अप होके लगभग 5497 करोड़ के आसपास है। प्रॉफिट भी आप देखेंगे 485 करोड़ से बढ़ के लगभग 700 करोड़ पहुंच चुका है कंपनी का। एंड ओवरऑल आफ्टर टैक्स डिडक्शन वगैरह एवरीथिंग ऑल 324 करोड़ से बढ़ के इस सितंबर छमाही में 478 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी को आया है। EPS भी 3.82 से इंक्रीज होकर 5.63 है। सो ओवरऑल फंडामेंटल्स में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में। एक्साइड इंडस्ट्रीज में आप हर डिप पे लॉन्ग कीजिए, SIP मेंटेन कीजिए, 50-100 शेयर्स आप हर महीने खरीदते रहिए, एंड डेफिनेटली आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगले 3 से 5 सालों में आपको ये स्टॉक अमीर बना देगा, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं मदहसन तुमी सिस्टम्स की, 3907 करोड़ का टोटल सेल्स रहा है सितंबर 18 में, जबकि पिछली बार सितंबर 17 में 3480 करोड़ का था, लगभग 500 करोड़ के आसपास की सेल्स इंक्रीज हुई है। साथ ही अगर PBT की बात करते हैं 620 करोड़ से बढ़कर 660 करोड़ का आसपास के प्रॉफिट्स हैं। एंड ओवरऑल EPS भी EPS जरूर इनका घटा 2.2 से घटकर 1.46 है, बट EPS घटने का जो कारण है वो ये है कि कंपनी ने 2:1 का बोनस इशू किया, तो इसीलिए वो रिफ्लेक्ट यहाँ पर हुआ है 2:1 का बोनस, एंड दैट इज़ द रीज़न कि हमें बेसिक EPS यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है। ओवरऑल फंडामेंटल्स ऑफ बोथ द कंपनीज आर वेरी गुड। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टेक्निकल्स ऑन द एक्साइड इंडस्ट्रीज में हम लोग देखते हैं। एंड ये इन द एक्साइड इंडस्ट्री आई थिंक 255 इज द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। एंड आप देख सकते होंगे यहाँ पर हमने लगभग 258 रुपीज़ का एक सपोर्ट जोन बना के रखा हुआ है। फिलहाल काउंटर ट्रेडिंग है 259.80 रुपीज़। तो 258 इज द स्टॉप लॉस, बस द 258 विल 255 हम मान के चलेंगे, कुछ इसमें ATRs वगैरह भी रहता है एवरेज टू रेंज। सो इफ द काउंटर विल क्लोज बिलो 255 ऑन द डेली चार्ट देन डेफिनेटली इट मे ऑल्सो हिट द 242-243 लेवल, दैट विल बी वेरी गुड लेवल्स टू एंटर टू मेक अ फ्रेश पोजिशन इन द एक्साइड इंडस्ट्री। एंड द अपसाइड रेजिस्टेंस द फर्स्ट इज द 268 रुपीज़ इन द एक्साइड इंडस्ट्री। Once it will close over 268 levels, then definitely you will get the 280 levels in the Exide industry. And the final breakout level in the Exide industry will be the approximately 305 rupees. So once the stock, the counter will close over 305 level, a new big up move will come into this stock and definitely. And here we will see that in the 2009, the stock was trading just at rupees 35 rupees, and in last 9 years the counter gained around 8 to 9 times from its value in the 2009 35 rupees. So this is a very good counter, and you can keep investing in the Exide industry. Mothersan Sumi is also very good counter, bahut badhiya stock hai, especially auto and series sector mein, electric segment mein listed hai counter,
एक्साइड इंडस्ट्रीज बैटरीज बनाती है, मतलब तुम्हें भी ऑटो एक्सरी सेक्टर के पार्ट्स बनाते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रिक पार्ट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल के पार्ट्स भी बनाते हैं ये लोग। एंड एट प्रेजेंट रेट जो है 166 का है। यहाँ से जो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है एक्साइड इंडस्ट्रीज के, सॉरी मदरसन तुमी के अंदर, दैट इज द अराउंड 175 to 178 रुपी। वंस द काउंटर विल क्लोज अबव द 178 द स्टॉक विल डेफिनेटली गो फॉर द 190 to 200 रुपीज लेवल इन द कमिंग फ्यूचर। सो एक्साइड मदरसन तुमी एंड द एक्साइड इंडस्ट्री बोथ आर लुकिंग गुड। डेली चार्ट्स इज ऑल्सो वेरी गुड। इन द डाउन साइड द सपोर्ट लेवल ऑफ द मदरसन तुमी विल बी द 148 to 150। सो आप लोग अगर शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं तो आपका सपोर्ट रहेगा 148 रुपीज़ का एंड रेजिस्टेंस रहेगा लगभग 178 का, जहाँ पर आप लोग टेक प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आप होल्ड कीजिए काउंटर में, अगले 15 महीने के अंदर काउंटर लगभग 250 से 270 की रेंज आपको दिखा सकता है मदरसन तुमी। एंड एक्साइड इंडस्ट्रीज में भी अगर आप अगले 15 से 18 महीने के लिए होल्डिंग रखते हैं, देन मुझे लगता है कि अपना ब्रेकआउट जो 303 का है, 305 का ब्रेकआउट लेवल देगा एंड उसके बाद एक अच्छा मेजर बुलिशनेस आपको एक्साइड इंडस्ट्री में दिखाई देगा। सो दोस्तों, ये हमने बात की दो ऐसे शानदार शेयर्स के बारे में जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर के दो दिग्गज स्टॉक्स हैं, और साथ ही ये वो दो दिग्गज हैं जो कि आने वाले निकट भविष्य में धूम मचाने वाले हैं। सो दोस्तों, दोनों ही स्टॉक्स पर अपनी नज़र टिका के रखिएगा, बना के रखिएगा, सही स्तर मिलते ही जैसे ही आप इनमें निवेश कीजिएगा, डरिएगा मत किसी भी तरह से। इन दोनों काउंटर में इन एनी सिचुएशन पैनिक जैसी कोई सिचुएशन नहीं आएगी, कितना भी गिरे हर डीप पर आप खरीदिए इन काउंटर्स को और अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग और बहुत स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, जिससे कि जब ये काउंटर्स आपको रिटर्न देने का समय आए तो आपको भरपूर रिटर्न दे, छप्पर फाड़ के रिटर्न दे। वो कहते हैं कि जब ऊपर वाला देता है दोस्तों, छप्पर फाड़ के देता है, और ये दो वो ऐसे काउंटर्स हैं जो कि आपके लिए ड्रीम्स कम ट्रू वाली सिचुएशन लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करते हैं कुछ और बेहतरीन स्टॉक्स के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन समय रहते मिलते रहे। जल्दी मुलाकात करता हूँ अगले वीडियो में, आज्ञा दीजिए मुझे, नमस्कार दोस्तों।